हेलो गाइस, सो आज का गिटार लेसन है। गाने का नाम सुलू फ्रॉम द बैंड द लोकल ट्रेन बैंड का ये गाना है। इस गाने का आज मैं आपको स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट और कॉर्ड प्रोडक्शन क्या यूज़ करना है इसका मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। सो स्टार्टिंग का इंट्रो इस तरह से बजेगा। अब ये इंट्रो किस तरह से बता रहा है मैं स्लोली बताऊंगा। गाने की स्केल मेजर है गाने के स्केल। अब इसका स्टार्टिंग का इंट्रो करना है हमें 8 और 9 पे थर्ड स्ट्रिंग का हैमर ऑन करना है। इस तरह से हैमर ऑन 8 और 9 पे थर्ड स्ट्रिंग का। अब प्लकिंग करना है हमें 1 2 3 फिर 1 2 1 कर देना है। तो पहले हैमर ऑन करना है, हैमर ऑन 1 2 3 1 2 1 कर देना इस तरीके से। इसको रिपीट करना है 2 बार। अब आना है हमें थर्ड स्ट्रिंग के 11th फ्रेट पे। अब इसमें प्लकिंग करना है हमें 3 1 2 3 1 2 3। क्या करना है प्लकिंग सीक्वेंस 11th फ्रेट पे 3 1 2 3 1 2 3। इसको रिपीट करना 2 बार इस तरीके से। अब आना है हमें 13th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग का प्लकिंग सेम सीक्वेंस करना है हमें 3 1 2 3 1 2 3 को रिपीट करना है 2 बार। वैसे एक हाफ स्टेप आगे 14th फ्रेट में सेम प्लकिंग सीक्वेंस करना है 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। और लास्ट पे हमें 16th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग का एक बार सिर्फ करना है 3 1 2 3 1 2 3 कर देना है ऑन द 16th फ्रेट पे एक बार। तो स्टार्टिंग पे हमें 2 बार करना है इस तरीके से। अब 11th फ्रेट में 2 बार, 13th फ्रेट, 14 और फिर 16 पे एक बार। तो इस तरह से करना स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट। अब फिर ये रिपीट करके 2 बार इसका ये आएगा। अब ये सब ओपन स्ट्रिंग में गया, इसका नोट क्या करना है थर्ड स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पे इस तरह से पकड़ के हमें प्लकिंग करना है 3 2 1 करना है। फिर थर्ड स्ट्रिंग के 8 में प्रेस करके प्लकिंग करना है फिर सेम 3 2 1। अब थर्ड स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में पकड़ के हमें 3, अब उसके बाद फिर 1 2 3 1 2 3 कर देना है। सो इस तरह 9 पे 3 2 1, फिर 8 पे 3 2 1 और फिर 2nd फ्रेट पे 3 1 2 3 1 2 3। सो इस तरह से बोलेगा फर्स्ट टाइम पे। और फिर 2nd टाइम पे सेम करना है 9 पे फिर 3 2 1, फिर 8 पे 3 2 1। अब हमें 4th फ्रेट पे पकड़ के हमें 3 1 2 3 1 2 3 कर देना है 2nd टाइम पे। फिर 3rd टाइम पे हमें सेम करना है 9 पे 3 2 1, फिर 8 पे 3 2 1। अब आने 6th फ्रेट पे 3 1 2 3 1 2 3। तो 3rd टाइम इस तरह से बजेगा। और फिर लास्ट पे 8th फ्रेट पे आना है 3rd स्ट्रिंग का और हमें 3 2 1 3 2 1 3 2 1 करके खत्म कर देना है। सो ये पार्ट इस तरह से बजेगा। ये है इंट्रो पार्ट का। सो मैं स्टार्टिंग से इंट्रो पार्ट बजा के सुनाऊंगा, सो अच्छे तरह से देखेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब आएगा वर्स। वर्स में कॉर्ड बहुत ही सिंपल यूज किया गया है। इस तरह के 7th फ्रेट से हमें पकड़ना है 6th स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट 2nd स्ट्रिंग ओपन करके 7th फ्रेट से ई मेजर कॉर्ड पे ओपन कॉर्ड पकड़ना है। अब रिदम पैटर्न डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप से स्टार्टिंग के वर्स पे हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन कौन सा बजाना है मैं आपको स्लोली बताऊंगा। फर्स्ट कॉर्ड ई मेजर, अब इसी के ऊपर पकड़ना है 7th फ्रेट से इस तरीके से हमें बी मेजर, फर्स्ट और 2nd स्ट्रिंग ओपन करके बी मेजर ओपन कॉर्ड। अब इसी का वोल्ड स्टेप सेम कॉर्ड पोजीशन हमें आगे लेना है ए सस 2 5th फ्रेट पे एंड बैक टू द बी मेजर कॉर्ड। सो स्टार्टिंग के वर्स लाइन में हमें ई बी
HS2 और बी में सिर्फ बजाना है और रिदम हाफ ऑफ करना है, मतलब डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, इसको रिपीट करना स्टार्टिंग के दो लाइन पे इस तरीके से। कहूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है, कॉर्ड प्रोग्रेशन अप्लाई करना है। अब फिर आगे का कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है, अच्छी तरह से क्या आगे कॉर्ड प्रोग्रेशन करने के से जितना भी आगे लाइन को वो आपको इजी लगेगा। सो इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या करना है, सी शार्प माइनर ओपन कॉर्ड पकड़ना, मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग का 11, फोर्थ स्ट्रिंग का 11, थर्ड स्ट्रिंग का 9 और सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके सिक्स स्ट्रिंग को म्यूट कर देना, ये सी शार्प माइनर ओपन कॉर्ड। अब दूसरा कॉर्ड क्या जाएगा, फिर बी मेजर ओपन और फिर इसी के वो स्टेप HS2 ओपन कॉर्ड और बी मेजर ओपन कॉर्ड। सो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाने पे। सो सी शार्प माइनर बी HS2 और बी, इसको भी सब हाफ हाफ करके बजाना है आगे के जितने भी लाइन का पूरे में इस तरीके से। खो छूलो जो मुझे तुम कभी, खो न जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे, कह दो जो हो तुम एक बार, मेरे हो बस तुम मेरे, नजरों में हो तुम हो बसे। सो यहाँ तक और आगे जितने भी लाइन का पूरा हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम करना है, सी शार्प माइनर बी मेजर HS2 और बी मेजर। और फिर आगे एक सोलो पार्ट आएगा इस तरीके से, इस सोलो कलेक्शन चाहे तो आप कमेंट डाउन कीजिए, इसके बाद में अलग सा बनाऊंगा। और फिर आगे के लाइन पे फिर हाई स्केल जाएगा, उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन जो मैंने स्टार्टिंग में सीखा है उसी को अप्लाई करना है, ई मेजर ओपन बी मेजर HS2 और बी मेजर, स्टार्टिंग के कॉर्ड प्रोग्रेशन पे अप्लाई करना है। यहाँ पे फिर वोकल हाई है लेकिन कॉर्ड वही अप्लाई किया इस तरीके से। कॉर्ड प्रोग्रेशन है। अब सेकंड कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या था, सी शार्प माइनर ओपन बी मेजर HS2 और बी मेजर अगले लाइन पे। छूला जो मुझे तुम कभी, खो न जाऊं मैं। सो इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम करना, लाइन भी सेम है लेकिन वोकल थोड़ा हाई स्केल में किया गया है, कॉर्ड प्रोग्रेशन वही हमें अप्लाई करना है। अब फिर सोलो पार्ट लास्ट का जब खत्म हो जाएगा, हमें कॉर्ड क्या करना है, उसमें सिंगल स्ट्रम करना ऑन द ई मेजर ओपन कॉर्ड, हमें रुका हूँ उसी के ऊपर बी मेजर कॉर्ड, तू जा चुका है, और फिर HS2 कॉर्ड, हमें रुका हूँ, और फिर इसी का वो स्टेप बी मेजर कॉर्ड, तू जा चुका है। सो इस लाइन पे सिर्फ हमें ई बी HS2 और बी मेजर करके गाना खत्म कर देना है। सो गाना में बहुत सिंपल कॉर्ड प्रोडक्शन यूज किया, सो गाना सिंपल और अच्छा है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्लेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।